चखना। ओए ये क्या था। आए आए आए। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। हे अल्लाह, थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, शाम हो गई है। आजकल आपके भाई की जो है ना रूटीन जो है ना फक हुई है यार। जिस दिन मैंने रूटीन ठीक कर लिया ना, मैं दुनिया फतह कर लेनी, मैं पाकिस्तान के लाठी कर लेने। जिस दिन मैं भाई सुबह सुबह 7 बजे उठ के बैठ गया, तो जा रहे भैंस की तो मेरी तो नींद आ रही है मुझे, जब सूरज निकल आता है ठीक है, सुबह 5-6 बजे फजर के बाद आदो गई यार। बाकी तुम लोग देख सकते हो कमरा जो है काफी साफ सुथरा जो है मैंने रखा हुआ है। वाज वाज। तो यार वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डटी डाई व्लॉग एंड डॉइन नहीं किया तो डर लो, सब्सक्राइब करके जो है डल आइकन दुबाना है और साथ ऑल कर देना है, बेल आइकन दुबा के ऑल जरूर करना है ठीक है। नहीं ऑल करोगे तो फिर पूरा मजा आएगा तुम लोगों। अच्छा भाई, तो यार जैसा कि तुम लोगों को पिछले व्लॉग के अंदर पता है कि हमारी जो है गाड़ी कुछ चोटे लग गई थी थोड़ी सी, गाड़ी ठोक दी मैंने फिर दोबारा लख दी। दिखा दो यार। आए 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 और आए। तो आज जो है वो ठीक होके आ गई है। होंडा वाले भाई ने जो है मुझे फोटो छोटे भेज दिए, हमारी गाड़ी जो है चमैक्सी हो गई है। तो उनको मैंने कॉल किया, वो कह रहे हैं कि अभी आके लेने आ जाओ, लेकिन तुम लोग को पता है कि अब हमें ऊबर पे जाना पड़ेगा, ऊबर मंगवा लेते हैं। रुक जाओ, ऊबर भी महंगी हुई है यार, गाड़ी सस्ती गाड़ी पे जाना पड़ेगा। चलो भाई ऊबर शूबर ऑर्डर कर लिए। बाकी तुम लोग को ये होता है आजकल आपका भाई जो है डाइटिंग पे है, वेट लॉस वगैरह कर रहा है। तुम लोग को पता है आजकल आपका भाई ना कुकीज ना कोई चुपस चुपस कुछ भी नहीं खा रहा। वो एक गाड़ी आ रही है, वो शायद हमारी उबर ही है, वो सात के नाम की उबर। हाँ बच्ची ओके, थैंक यू सो मच यार। अप्लाइड फोर्स स्टिकर भी लगा दिया आपने, ये तो ऐसे लग रहे जैसे अभी मैं 0 मीटर गाड़ी जो है ना अभी फैक्ट्री से खरीद के आया हूँ। जनवन लास्ट ब्लॉग में मैंने देखी है भाई, ये भी आपने बिल्कुल जबरदस्त कर दिया यार, ये तो पता भी नहीं लग रहा यार, बहुत आला। पीछे से भी ठीक है। ओए होए 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 भाई, तुम लोग देख सकते हो गाड़ी साफ सुथरी चिकनी हो गई है, और तुम लोग देख सकते हो बम्पर भी जो है ना ओरिजिनल वाला लग गया। जो हमारे साथ शुरू में गाड़ी के साथ जो बम्पर आया है ना, वो भी तुम लोग को याद होगा एक जमाने में हल्का फुल्का लग गया था, तो हमने उतार के जो है ये वाला लगा लिया है, ये मॉडिफाइड है। अब पुराने वाला ही जो है ना जो ओरिजिनल वाला था वही मैंने जो है ना लगा के मैंने रील भाई को बोला कि इसको जो है ना इस वाले बम्पर को जो है ना सेट सूट करवा दे, ताकि गाड़ी बिल्कुल ऐसे लगे जैसे फैक्ट्री से निकलवाई हो। तुम लोग देख सकते हो अप्लाइड फोर का स्टिकर भी लग गया है, बहुत लेवल हो गया यार, थैंक यू सो मच यार। कितना टाइम लग गया इसको तकरीबन? 4 से 5 दिन लगे इस गाड़ी को साफ करने को, रिपेयर करने। अच्छा, टायर भी साफ सूफ कर दिए। अंदर से कैसी है? अंदर से चेक करें। ओए होए, अंदर से भी जो है ना इन्होंने तेल शेल मल दी है ठीक है, कुर्सियों पे तुम लोग देख सकते हो चिकनी हो गई है बहुत ज्यादा। ओके अल्लाह हाफिज़। आए 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 आए, आपके भाई की गड्डी इज बैक। तुम लोग देख सकते हो चिकनी चिकनी हुई है, मेरे तो तेल हाथ में फील हो रहा है। तो अभी जो है ना मैंने दुआएं वगैरह पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया मैंने कि गाड़ी को जो है सही सलामत एक बार घर पहुंचा दूं, उसके बाद मैंने नहीं निकालनी भाई, नहीं हो गई है। तुम लोग के सामने अप्लाइड फोर्स स्टिकर लगा है, मुझे तो लग रहा है कि मुझे दोबारा से गाड़ी की पार्टी देनी पड़नी है लोगों को। यार हमने आईफोन 14 लिया था दुबई से, आपको दिखा देते हैं। आए 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 चक्कर। भाई साहब है साफ सुथरा कि नहीं? तो यार मुझे भी दिला देते हैं। आपको भी दिला देते हैं यार, क्या टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको पता है ना ये दुबई से, ना ये अमेरिका से, ना ये यूके से, ना ये यूएस से, यूरोप से, कहीं से भी फोन नहीं मिल रहा, सिर्फ आपके भाई के ताल्लुक आते टिम कुक से, स्टीव जॉब कवर सूट के आके उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया है वहां पे। तो इसलिए मैं आपको अभी दिला नहीं सकता, जब अभी मार्केट में शॉर्ट है, अभी सिर्फ पाकिस्तान से मिल रहा है लेकिन थोड़ा महंगा मिल रहा है। गबरू भी पिछले दिन लगा हुआ था कि भाई मुझे आईफोन दिलवा दे, उसको तो मैंने कटा दिया सीधा। हेलो। हाँ डकी, कैसे है? मैं बिल्कुल ठीक यार, तू सुना? फिट यार, और बता क्या चल रहा है यार? एक छोटा सा काम था मेरी जान। यार तुझे पता है फोन मिल ही नहीं रहा है आईफोन 14, मैंने सुना पाकिस्तान के अंदर बड़े सस्ते मिल रहे हैं मेरी जान। ना फोन अमेरिका में मिल रहा है, ना यूरोप में मिल रहा है, ना कहीं मिल रहा है, जानी एक फोन मुझे भेज सकते तू पाकिस्तान से? हाँ भेज देता हूँ, अपना एक सेकंड रुक जा मैं प्राइसेस वगैरह चेक कर लूँ। 4 लाख रुपए तक का जो है ना मिल रहा है पाकिस्तान में, बता। पैसों की कोई टेंशन नहीं जानी, तू आएगा ना मेरे पास, अपना अगला चक्कर लगेगा तू मेरे से ले। यार वो तेरी तरफ मुझे डॉलर लेके आने पड़ते हैं, और
वो जो है ना अगला चक्कर मुझे नहीं पता मेरा कब लगेगा तेरी तरह, वो बड़ा टाइम हो सकता है, तू किसी तरह पैसे भिजवा देना। मुझे पता है इंटरनेशनल पैसे में नहीं भेज सकता, कभी बैंक ट्रांसफर फीस, इसकी फीस, उसकी फीस, घर की फीस, खाने की फीस, कितनी फीस होती है मेरी जान, क्यों मेरे आईफोन 14 के डबल पैसे लग जाएंगे मेरे। यार तू मेरा भाई है, तुझे मैंने इस तरह से कभी भी नहीं करना है, लेकिन तुझे भी पता ना यार आगे मेरी शादी वादी आ रही है, या ऊपर से वो तुम्हारे कुत्ते ने भी काट लिया है ना, तो वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने मुझे लगता लूट लिया है, $1,000 तो उन्होंने लूट लिया मेरा। यार ठीक है, तो तेरी शादी में फिर मेरे कुत्ते को भी तूने इनवाइट करना है, क्योंकि जब से उसने तुझे काटा है वो अपना मोबाइल उठा के घूम रहा है, और मुझे उसके लिए भी मोबाइल अब ऑर्डर करना पड़ेगा, वो भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है उसने अपनी, और ऐसा तेरा जहरीला खून है जब से उसके मुंह को लगा है, सुबह से उठ के कभी व्लॉगिंग कर रहा है, और मैं उठाऊ कल उसे खाना देके कहता है हेमलो जी मेरा खाना किधर है। तू टैप टैप सेंसेस सेंड कर देना, उसमें तो ना फीस भी नहीं लगनी तुझे। हाँ हाँ डकी, मैं करता हूँ तुझे, हाँ मेरी जान टेंशन नहीं ले। हाँ डकी, मिले तुझे पैसे? हाँ रिसीव हो गए भाई, दिलवा देता हूँ आईफोन, नेक्स्ट टाइम चक्कर लगेगा ना तो मैं तुझे आईफोन लेता हूँ तुम्हारा, ठीक है? चलो ओके अपना काम। तो बस इतनी ही बात है, तुम लोग आउट ऑफ कंट्री पैसे मंगवा सकते हो पाकिस्तान में थ्रू टैप टैप सेंड, यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप, विद नो फीस, पैसे डायरेक्टली बैंक अकाउंट, जैज कैश, इजी पैसे में ट्रांसफर कर सकते हो, ओपीटी फॉर कैश पिकअप भी अवेलेबल है 1300 से ज्यादा यूबीएल की ब्रांचेज में ऑल ओवर पाकिस्तान, सिक्योर भी है, पैसे भी इंस्टेंटली आते हैं, और हाँ तुम भी अगर फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो, अपना छोटे मोटे पैसे कमा रहे हो, तो आप अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि आपको टैप टैप सेंड से पाकिस्तान में पैसे भिजवा दें, तो रोला ही मुक गया भाई, कर टैप टैप सेंड यूज। अबे मेरी ऐनक तोड़ दी भाई तूने, ये इसके भी पैसे आप टैप टैप सेंड से मंगवाना, बाहर भी ऐनक, बाहर की ऐनक, बाहर नीचे मेरे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से और कमेंट पे पिन किए हुए लिंक से जो है तुम लोगों ने टैप टैप सेंड डाउनलोड करनी है, बाकी कहीं से नहीं, मेरे लिंक से तुम लोगों ने डाउनलोड करनी है, और जितने भी सेंडर्स हैं उनको $10, 10 यूरो या 10 पाउंड का बोनस भी मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू यूज टैप टैप सेंड फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री टू पाकिस्तान। एंजॉय। 1 आवर लेटर। ओए 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 ओए, मैं तुम लोगों को एक लेवल की चीज दिखाऊंगा। ओए इधर आ, जांगिया जुंगिया ही पहन लिया करो यार, क्या कर रहे हो? आए आपके भाई को YouTube की तरफ से, YouTube ऑफिशियल अंजी, जिस वेबसाइट पे तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो उनके बंदे ने इनवाइट किया भाई आपके भाई को। अंजी मैं मजाक नहीं कर रहा, और मैं मजाक नहीं कर रहा, तू बैठ इधर, पाकिस्तान मैं चला सिंगापुर, उसे सिंगापुर में इनवाइट किया मुझे, दिखाओ तो सही। क्रिएटर समिट 2022 के अंदर आपके भाई को जो है उन्होंने मेन गेस्ट भाई सामने सोफे पे बैठाएंगे, मुझे नहीं बुलाया नहीं। आपको वहाँ पे बुला भी दे तो आप उनकी कुर्सियां वगैरह लगा देना, ठीक है, खाना शाना सर्व कर देना लोगों को, बर्तन वगैरह धो देना, ठीक है, जगह वगैरह उनकी साफ कर देना, उस चीज के लिए आपको बुला सकते हैं, लेकिन आपको किस काम के भाई? मुझे उन्होंने बुलाया गेमर व्लॉगर यूट्यूबर, उस सिलसिले में उन्होंने बुलाया, वो कह रहे हैं आप आओ हमारे यूट्यूब क्रिएटर समिट के अंदर और चार चांद लगा दो, आपके जाने से चार चांद नहीं चार मनुष्यत लगनी है तुमको। हाय, तो यार ये जो है मैं तुम लोगों से अभी न्यूज शेयर कर रहा हूँ कि सिंगापुर जा रहा है आपका भाई, यूट्यूब ने जो है इनवाइट किया है 2022 के क्रिएटर समिट के अंदर, आए आए आए। लेकिन अभी जो है ना रोला ये है कि अभी वीजा लगवाना है सिंगापुर का, नहीं तो सिंगापुर वाले कहेंगे फक ऑफ। वैसे मैंने काफी दिन पहले का जो है अप्लाई उन्हें दिया हुआ था, लेकिन आज भी मैं वैसे कॉल करके पूछ लूं सही वीजा का क्या बना। यार मेरा भी दिल कर रहा है जाने का, मेरा भी वीजा लगवा दो। आपका वीजा लग भी जाए तो आपको वहां पे मुंह किसने लगाना है, आपको लेके कौन जाएगा, ना आपको वहां पे फ्लाइट मिलना है, ना आपको वहां पे किसी ने जहाज में चढ़ने देना। आप एक काम करो वीजा लगवा लो, मेरे थुक वाले जहाज में चले जाना आप। गजब बेइज्जती है यार, मुझे वीजे की अपडेट दे दो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ₹200 एक्स्ट्रा ले लेना यार, करवा देना। वीजा तुम्हारा आया नहीं है, खुश पहले से होने लग गए भाई। वीजा ना भी आए ना, लेकिन ये जो लेटर आ गया ना आपके भाई को के भाई आप हमारे इवेंट पे शिरकत कर रहे हैं, यही बोलता है भाई, आपको तो कोई सलाम का जवाब देते बड़ी बात है। छोड़े, a few moments later, मैं आपको एक लेवल का जादू दिखाऊं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये बिस्किट है ना, ओरियो बिस्किट है मेरे पास। हाँ हाँ ठीक है, इसको मैं खाता हूँ। खाना है, चूसना नहीं है। ठीक हो गया, चेक करना। ओए
ये क्या था? आए 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 आए। मजा आया कि नहीं? मजा आ गया। लाइक और सब्सक्राइब तुम लोग कर देना। यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। बस दुआ करो वीजा आ जाए ताकि सिंगापुर में शुगर लगाए ना। इधर पाकिस्तान में बोर हो गया हूँ यार मैं। इधर घर में रह रहा है कि कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए कभी वो कर ली कभी टट्टी कर ली कभी पेशाब कर लिया। इस तरह शुगर नहीं है यार। तो सिंगापुर में जाते कोई माहौल दिखाता हूँ तुम लोगों को यार। वहाँ पे जाके शुगर लगाएंगे। ठीक है मिलते हैं।